हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है वर्चुअल लैब चैनल पर। आज जो हम लेके आए हैं वो एक वर्चुअल लेबोरेटरी यानी कि एक वर्चुअल एक्सपेरिमेंट है जो आपको 10th स्टैंडर्ड, 11th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड सब में काम आएगा। ये थियोरी तो काफ़ी पहले से आप सीखते आए हैं, लेकिन इसका प्रैक्टिकल आपको 12th साइंस में करना पड़ता है। तो ये है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। ये पूरा का पूरा वर्चुअल मशीन है। ये हम आपको किस तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं आप हमारे सॉफ्टवेयर पर वर्चुअली अपने लैपटॉप और कंप्यूटर पर, इसका फंक्शन और फीचर्स दिखा रहे हैं। तो ये देखिए, यहाँ ये हमने दिया है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। ये स्क्रू गेज खोलने के लिए यहाँ दो बटन है, बंद करने के लिए एक है, क्लोज का, ओपन करने के लिए है ओपन का। ये आप क्लोज है वो हालत में आप क्लोज़ नहीं कर पाएंगे, ये बटन कुछ काम नहीं करेगा, यहाँ का जो रीडिंग है वो चेंज नहीं होगा, देखिए। लेकिन ये ओपन करने के टाइम आप उसको ओपन कर सकते हैं ये बटन पर बार बार क्लिक करके। और ये आपका जो मेन स्केल है और ये वर्नियर स्केल है, वो दोनों पर आपकी नज़र आपको रखनी है। तो ये ओपन और क्लोज़ की बात हो गई। यहाँ कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, एकदम पतली पिन भी है और एकदम जो हाईएस्ट डायमीटर वाली पेंसिल होती है वो भी है। आपको ये कोई भी ऑब्जेक्ट का डायमीटर लेने के लिए प्रिसाइजली ये ड्रैग करना है और ड्रैग करके इसको खोल देने के बाद यहाँ रख देना है। ये देखिए, फिर ये क्लोज का बटन आप बार बार क्लिक करके उसको दबा दीजिए। जब वह पेंसिल को टच हो जाएगा उसके बाद वो आगे नहीं जाएगा, चाहे कितने भी आप क्लिक करें। ये देखिए, अभी ये टच हो गया है, अभी आगे नहीं जाएगा। अभी आपका ये मेन स्केल और वर्नियर स्केल का रीडिंग लेना है। तो ये हो गई आपकी मेज़रमेंट की प्रोसीजर। लेकिन ये सब करने से पहले आप जानते हैं कि आपको लीस्ट काउंट जो है वो ढूंढना पड़ेगा। तो लीस्ट काउंट ढूंढने के लिए यहाँ हमने पिच ऑफ द स्क्रू गेज दिया हुआ है। ये देखिए, अभी मैं ये पेंसिल को हटा देता हूँ, हम थोड़ा लीस्ट काउंट भी समझ लेते हैं। तो ये पेंसिल जो है मैं अपनी जगह में रख देता हूँ। और ये देखिए, अभी ये मैं उसको पूरा क्लोज़ कर दूँगा। ये क्लोज हो गया, ठीक है। अभी लीस्ट काउंट के लिए पिच ऑफ द स्क्रू गेज, ये पिच क्या होता है? ये पिच ये होता है कि आप अभी बरोबर देखिए कि ये मेन स्केल को करीब करीब ये 20 का वर्नियर स्केल टच कर रहा है। ये वर्नियर स्केल का 20 नंबर जो है वो यहाँ टच कर रहा है। तो उसको आप पूरा 20 तक बार खींच लीजिए। दूसरी बार 20 जब तक आता है तब तक उसको आप बार ले लीजिए। पूरा सर्कल जो है वो पूरा होना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, 80, 90, 0, 10 और ये 20। ये देखिए, ये 20 आ गया। तो हमने ये वर्नियर स्केल को पूरा एक राउंड घुमा दिया है। और ये राउंड घुमाने के बाद मेन स्केल पर उसका जो डिस्टेंस है वो कितना आगे पीछे हुआ, ये डिस्टेंस जो है मेन स्केल का, ये आपकी पिच है। तो ये आपको यहाँ लिखनी है। दूसरा है टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल। ये जो आपका सर्कुलर स्केल या तो वर्नियर स्केल है उसके डिवीज़न कितने हैं, तो यहाँ हमने जो दिखाया है उसमें 100 है, तो यहाँ आप 100 लिख दीजिए। फिर पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीज़न कर दीजिए और ज़ीरो एरर्स वगैरह जो भी आता है वो आपको यहाँ लिखना है। तो ये हो गया आपका LC यानी कि लिस्ट काउंट। बार बार आपको ये बताना ज़रूरी है कि लिस्ट काउंट सबसे पहले काउंट कर लीजिए, उसके बाद में ही आप सबको मेज़रमेंट लीजिए, क्योंकि वहाँ आपको एरर ऐड या तो सब्सट्रैक्ट करनी है। तो ये हो गया पेंसिल। ये एक और मोटा सा रॉड हम लेते हैं। ये देखिए, रॉड ले लिया, पहले खोल दीजिए, ठीक है। अब उसको बंद कर दीजिए, ये बंद हो गया, देखिए। तो बार बार ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट को उठाइए, यहाँ लगाइए और उसका डायमीटर आप चेक कीजिए। आपकी सुगमता के लिए यहाँ कैलकुलेटर दिया गया है और यहाँ आपका पूरा ऑब्जर्वेशन टेबल है, जो आपको एक एक चीज़ को पकड़ पकड़ कर उसका जो डायमीटर है वो सब यहाँ आपको ऑब्जर्वेशन में नोट डाउन करते रहना है। तो ये आपका ऑब्जर्वेशन टेबल हो गया। और
यहाँ पूरी हेल्प दी गई है कि ये सॉफ्टवेयर का यूज़ आप किस तरीके से कर पाएंगे। अगर आप अकेले ये लेकर बैठे हैं तो भी आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो दोस्तों, ये था हमारा वर्चुअल एक्सपेरिमेंट, हाउ टू यूज़ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। आपको इसका ऑपरेशन आ गया होगा, आप इसमें सब कुछ समझ गए होंगे, और एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार आप चाहे ये वर्चुअल एक्सपेरिमेंट पर आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो वी होप यू एन्जॉय द वीडियो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। दोस्तों, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी ऐसा ही एक वर्चुअल एक्सपेरिमेंट लेकर। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट अगर आप करना चाहें तो labonlaptop@gmail.com पर आप कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स अगेन, थैंक यू वेरी मच।